तो लगभग 12 साल का समय, 100 करोड़ की लागत और बनकर तैयार है पटना का पहला और इस देश का 60वां इस्कॉन टेम्पल। तो आज हम आए हैं पटना के बुद्ध मार्ग पे स्थित इस बिल्कुल नए नवेले इस्कॉन टेम्पल को एक्सप्लोर करने और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। तो आप बस बने रहिए इस ब्लॉग में एंड तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर को बनाने के लिए जमीन 2004 में ही ली गई थी, लेकिन काम 2010 में शुरू हुआ और अब जाकर 2022 में ये काम कंप्लीट हुआ है और ये मंदिर पूरे पटना वासियों के लिए खोल दी गई है। लेकिन अभी भी इस मंदिर में काफ़ी काम बाकी है जो कि अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो अगर आप आएंगे तो काफ़ी सारी ऐसे जगह रहेंगी जहाँ पर आपको जाने की परमिशन नहीं होगी या वहाँ पर काम चल रहा होगा। और अगर बात करें इस पूरे मंदिर की खूबसूरती की, तो वो बस आपको यहाँ पे आकर ही फील होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और इसके पीछे एक रीज़न है। पूरे इस्कॉन मंदिर का निर्माण ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशजों द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और उन्हीं संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है जिनका इस्तेमाल ताजमहल में भी हुआ था। इसीलिए इस मंदिर की खूबसूरती बेहद ही लाजवाब है, जिसे मैं यहाँ पे बता तो नहीं सकता, लेकिन आप जब इसे देखेंगे तो आप उसे महसूस करेंगे। दीवार पे बनी अलग अलग तरह की कारीगरी जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देने के लिए बिल्कुल काफ़ी है, और आपको बस मज़ा आ जाएगा यहाँ की पॉजिटिव वाइब में। दोस्तों यहाँ की कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे कि लगभग 2 एकड़ में बने इस मंदिर को सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया है, जिसमें एक भक्ति कला क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, पहले तल्ले पर प्रसादम हॉल है, इसमें 1000 से अधिक लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 108 फीट ऊंचे इस मंदिर में 84 खंभे हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई भी 84 फीट है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। प्रसाद तैयार करने के लिए मॉडर्न किचन बनाया गया है। दूसरे तल्ले पर मंदिर है जिसमें 3 दरबार बनाए गए हैं, राम कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का दरबार। मंदिर परिसर में ही गोविंदा रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसमें 56 प्रकार के शुद्ध शाकाहारी व्यंजन प्राप्त होंगे आपको। बाहर से आए लोगों के ठहरने के लिए 70 कमरों का अतिथि गृह भी बनाया गया है। इसमें से कई सारे काम अभी चल ही रहे हैं, अभी प्रोसेस में हैं, जो कि आने वाले दिनों में तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे। और एक बात जो मुझे यहाँ पे पटना के बाकी मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा अलग लगी, वो ये कि यहाँ पे जो एक भक्ति का माहौल है और लोग जो यहाँ आकर पूरा भक्तिमय हो जाते हैं, वो मैंने पटना के बाकी मंदिरों में ऐसा अभी तक नहीं नोटिस किया था। सो आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, श्री कृष्ण और राधा की दर्शन करने चाहिए और यहाँ के पॉजिटिव वाइब का, भक्तिमय माहौल का आनंद उठाना चाहिए। दोस्तों अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, और वो ये कि अगर आपको मेरा ये काम, ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया, तो आप इसे अपने कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक कर दें और कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आगे भी पटना के ऐसे ऐसे जगहों को कवर कर सकूँ और आपके सामने ला सकूँ, और धीरे धीरे पूरे बिहार और पूरे इंडिया के जगहों को कवर करूँ और आपको ऐसे इंफरटेनमेंट से भरे व्लॉग्स आपको दिखाता रहूँ।